हेलो बच्चो लेट्स द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोरल रीफ सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा कोरल्स के बारे में कोरल्स जो है वो फॉर्म होते हैं बाय ऑर्गेनिजम्स जो बिलोंग करते हैं टू फाइलम सीलेंटराटा सीलेंटराटा में दो मेन फॉर्म्स होते हैं जो कोरल्स बनाते हैं वो पॉलिप फॉर्म में होता है पॉलिप फॉर्म पॉलिप फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विथ ट्यूबुलर एक्सोस्केलेटन जो होता है वो अप ऑफ मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट सो ये डिपॉजिट होता है हमारा सी बेड में और कोरल रीफ बनाता है सो so ये जनरली ये पॉलिव स्टेज जो है वो ससाइल होते हैं यानी इमूवेबल जो अटैच टू सबस्ट्रेटम होता है अटैच टू सबस्ट्रेटम तो ये मूव नहीं होगा तो इसका जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो एसेशियल मोड पे रिप्रोड्यूस करता है रिप्रोडक्शन तो ये पॉलिप जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या कॉलोनीस में सो कोरल रीफ में हमें ये पॉलिप का एग्रीगेशन मिलता है तो इंडिविजुअल एग्रीगेशन भी हो सकता है इंडिविजुअल और कॉलोनीस ऑफ पॉलिप्स जो हमारा सीलेंट्रेटा का है ये कोरल रीफ बनाता है सो कोरल रीफ मेनली न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड वाटर में ज्यादा से ज़्यादा हम हमें देख सकते हैं ये मेन पार्ट ऑफ आवर मरइ इकोसिस्टम होता है तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज़ यानी सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल कंडीशन यानी अगर टेम्परेचर चेंज हो गया या फिर एयर में पोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो ये जो कोरल रीफ जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं तो ये था हमारा कोरल रीफ्स के बारे में होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट